गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों द्वारा गुरु की आराधना की गई। गुरु पूर्णिमा पर रुचक भद्र योग और हंस योग और श्री वत्स योग बनेंगे। मंगल से शनि तक पांच ग्रह अपनी ही राशि में रहेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा पर भद्रा का वास पाताल में रहेगा, इस कारण पूरे दिन भद्रा का दोष नहीं रहेगा। इसी शुभ अवसर पर सभी के गुरु स्थान शहर के टेकड़ी मंदिर एवं साई मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सभी भक्त आज अपने गुरु के साथ भगवान के सामने भी नतमस्तक होते दिखाई दिए। गुरु पूर्णिमा के दिन टेकड़ी गणेश मंदिर एवं साई मंदिर को मंदिर ट्रस्ट की ओर से फूलों से सजाया गया था। साथ ही विविध प्रकार के लाइट भी लगाए गए थे, जिस कारण बाबा का दरबार खिल उठा था। हालांकि नागपुर शहर में मंगलवार की रात से बारिश ने अपनी बैटिंग शुरू कर दी थी, वो बुधवार को भी जारी थी, मगर इसका कोई असर भक्तों पर नहीं हुआ। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।